जयकारण सृष्टि उभरण मम परण जय 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 तिगुं जय जय जयकारण सृष्टि उभरण मम परण जय 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 तिगुं। हाँ जी सरदार गुरचरणजीत सिंह लंबा जी, आप ये बताइए कि एक शख्स को, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, उसको जीने के लिए सेल्फ डिफेंस की कितनी जरूरत है? जीने के लिए मौत चाहिए, मौत के बिना जिंदगी नहीं है। और अगर उसमें ताकत नहीं है, ना उसे को जीने देगा ना उसे को मरने देगा। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने जो पहली शर्त रखी प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, वो ये थी। उन्होंने ये कहा, उनके अपने वचन हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। ये बहुत हैरानी होती है कि गुरु नानक देव जी के ये शब्द हैं, उनकी वाणी है कि अगर तुम्हें प्रेम करना है तो तुम्हें मौत के लिए तैयार रहना होगा। गुरु अर्जन देव जी के लफ्ज हैं, उनकी वाणी है, पहला मरण कबूल जीवन की छड आस। ये जिंदगी और मौत में फर्क जब मिट जाता है तभी वो आदमी सही जिंदगी जी सकता है। यही बैसाखी का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी ने जो कहा था, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, तकरीबन 240 वर्ष उन्होंने इसका पाठ पढ़ाया। गुरु साहिबान ने, 9 गुरु साहिबान ने इसका उपदेश दिया और गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पर अमल करते हुए उन्होंने नंगी तलवार निकाल के कहा कि जो प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो अपना सिर हथेली में रख के आए, और जो इस मार्ग पर आए उनका नाम भी गुरु गोविंद सिंह जी ने प्यारे आशिक रखा। सो इसका मतलब ये है कि जो मार्ग गुरु नानक देव जी ने बताया वही मार्ग गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। भारतीय संस्कृति में काफी समय से एक चीज प्रचलित हो गई थी, शायद बुद्ध मत का प्रचार हो जाने से, कि जननी जने तब भगत जन कह दाता कह सूर। अगर मां ने बच्चे को जन्म देना है तो वो या तो सूरमा हो, कह का अर्थ है या, जननी जने तब भगत जन कह दाता कह सूर, या भक्त हो या सूरमा हो, मगर गुरमत ने इस चीज को नहीं प्रवान किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह कहा कि धन जियो तेह को जग में मुखते हर चित्त में जुद बिचारे। जो प्रभु का नाम हृदय में रखते हुए, उसको युद्ध की लालसा भी दिल में रखते हुए उन्होंने परमात्मा से जो वर मांगा, उन्होंने यही वर मांगा कि अत ही रण में तब जूझ मर। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो परमात्मा से वर मांगा, क्योंकि जिंदगी किसी के सबकी एक जैसी है, जन्म का तरीका एक जैसा है, जन्म का तरीका अलग नहीं हो सकता। इसीलिए भक्त कबीर जी ने भी बहुत कटाक्ष किया, ब्राह्मण जो तो ब्राह्मणी आया तो आन बाट का ही नहीं आया। जन्म का ढंग सभी का एक जैसा है, उस पर किसी का बस नहीं है। इसलिए गुरमत ने, गुरु साहिबान ने मौत के लिए जो अपना तरीका है वो मांगा है। हे रव, हे सस, हे करुणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजिए, और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजिए, शस्त्रन स्यो अत ही रड़ भीतर जूझ मरो तो साच दीजिए। गुरु साहब ने जो वर मांगा परमात्मा से, अकाल पुरख से, वो यही कहा कि अर सिख हो अपने ही मन को, अर सिख हो, इसको उन्होंने कहते हुए कहा कि अत ही रण में तब जूझ मरो। ए लालच हो गुण तोहे उचरो, जब आव की औध निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। सो इसलिए जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। जिंदगी वही जी सकता है जो मौत को भी उसी रूप में प्रवान करे, दोनों के फर्क को मिटा सके। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगर वो आत्मविश्वास और सेल्फ डिग्निटी की जिंदगी नहीं जी सकता तो वो जिंदगी का कोई फायदा नहीं। खाली सांस लेने भर का मात्र जिंदगी नहीं है। इसलिए जो जिंदगी गुरु साहब ने जो दी वो आत्मविश्वास, अणख की जिंदगी, गैरत की जिंदगी जो है,
बेगैरत की जिंदगी से मौत हजार दर्जे बेहतर है। ये गुरु साहब का वैसाखी का उपदेश। तो सर, शस्त्रों की सिख धर्म में और मार्शल आर्ट एक किस्म का आर्ट माना जाता है, ये सिख धर्म में इतनी ज्यादा महत्ता रखता है जैसे आपने बताया, तो इसको हम क्या समझते हैं कि अभी ये पीछे जा रहा है या इसको अडॉप्ट किया जा रहा है? देखिए, जो तो जिस तरीके से अगर इसको हम अनुपातिक तौर पर लें तो जो हाल दूसरों का है उससे ज्यादा खराब नहीं, पर कुछ बेहतर जरूर है। क्योंकि जो रूप गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सिख का दिया था, उन्होंने जो रूप दिया था और आदेश दिया था, यह मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग न देवो दिदारे। उन्होंने ये कहा था कि बिना शस्त्र और केस के मुझे मत मिलो, बिना शस्त्र के संग न देवो दिदारे। यहां तक नहीं, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि बिना शस्त्र के संग नरंग भेड जानो। बिना शस्त्रों और केसों के उस भेड़ की तरह समझो जिसकी ऊन उतार ली गई है। बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, गहे कान ताको किते लै सिधानो। उसे फिर जो कसाई है वो बूचड़ खाने खींच के ले जाता है। और ये हमारा इतिहास, भारत का इतिहास ये बताता है कि हजारों की तादाद में, लाखों की गिनती में वहां से जो भेड़े चराने वाले जो थे, रेवड़ चराने वाले, वो 20-20 के ग्रुप बना के आते थे और यहां से यहां की इज्जत को, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा, पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो, जबरदस्ती यहां की सुंदरता, यहां की जवानी को भेड़ों की तरह हांक के ले जाते थे। अगर इसका कारण यही था कि ये मुल्क, ये देश शस्त्र विहीन हो गया, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पानीपत में लड़ाई हो रही है, मुगलों और पठानों की लड़ाई हो रही है, हमारे भारत का इतिहास है, बहुत पुराना नहीं है, वहां पर मुगल और पठान आपस में लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र गुरु नानक देव जी ने किया है, मुगल पठाना भई लड़ाई। मुगल हैं और पठान हैं, दोनों बाहर से आए हैं, पठान अफगानिस्तान से आए हैं और मुगल जो है वो समरकंद से आए हैं, और भारत की दिल्ली की दहलीज पर, यहां पर आकर के युद्ध हो रहा है उनका आपस में कि भारतीयों पर राज किसने करना है। और यहां की जनता शस्त्रहीन होकर ये इंतजार कर रही है कि जो जीतेगा हम उसके अधीन होंगे। ये शस्त्र त्यागने का, शस्त्रों को छोड़ देने का जो बात गुरु गोविंद सिंह जी ने जो चेतावनी दी, बिना शस्त्र के संग नरंग भेड जानो, गहे कान ताको किते लै सिधानो, और उसे जो है, और उसका नतीजा ये निकला कि जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो हजारों की तादाद में मराठा लड़कियां जो थी वो यहां पानीपत से, उस समय फिर वो सिखों ने उनको छुड़ाया और हर एक को महाराष्ट्र में जाके उनके एक एक घर में पहुंचा के आए, जो हमारे देश का सुनहरी इतिहास है। और उसका इफ़्ज़ाना अगले साल, जो कि अब्दाली ने फिर गुस्से में आकर हरमंदिर साहब को गिरा दिया, तब उसकी जो दोबारा नींव रखी गई, जब दोबारा उसकी तामीर हुई, सेवा हुई, तो वहां पर मराठा जो थे वो योद्धे और मराठा युवक वहां पर आए और उन्होंने उसमें सेवा में, होलकर फैमिली, और उन्होंने आकर के उसमें सहयोग दिया। सो ये हमारा इतिहास है। इस पर मैं एक बहुत सीधा सा, एक छोटा सा एक सवाल किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था मास्टर तारा सिंह को कि मैं तो ऐसा देश चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहता हूं, ऐसा देश चाहता हूं जिसमें फौज की जरूरत ना हो। तो मास्टर तारा सिंह जी का जवाब था, अगर कहीं पर ऐसा समय आ जाए किसी देश में फौज की जरूरत ना हो, तो मेरा ख्याल है कि उस देश में फिर सरकार की भी जरूरत नहीं है। सो शस्त्रों के बिना ना अस्मिता कायम रह सकती है, ना इज्जत कायम रह सकती है। और इस बात को महसूस किया 1942 में, जब देश के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हम फौज में भर्ती नहीं होंगे, तो उस समय सिख लीडरशिप की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज जाने वाले हैं, आने वाले समय में सब कुछ फौज पर निर्भर होगा। और वो समय था जब बहुत बड़ी गिनती में सिख फौज में भर्ती हुए
और उसका नतीजा सारे देश ने देखा। 1947, 1965 और 1971 तक की जंग में वही जो थे, जो सैनिक जो भर्ती हुए 1942 में, वो देश को बचा पाए। तो इसी से जाहिर होता है कि फौज का, शस्त्रों का और देश की अस्मिता का या निजी अस्मिता का कितना आपस में ताल्लुक है, इसको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं। जय जय जयकार सृष्टि उभारण मम पारण जय 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 ते गौ जय जय जयकार सृष्टि उभारण मम पारण जय 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 ते गौ। आजकल गुरुद्वारे के द्वार के ऊपर भी जी, एंट्रेंस के ऊपर भी जी, सामने खंडा लगाया जाता जी, है जी। सर, ये खंडे का एक खास महत्व है जी, तो आप वो महत्व बताएंगे। खंडा लफ्ज दरअसल खंडन करना, मौत का चिन्ह है। फिर वहीं पर बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आ रही है। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हालांकि धार्मिक स्थान है, पर जब हमें दूर से दर्शन होते हैं, जैसे किसी जहाज, दूर जहाज पर सबसे पहले जो नजर पड़ती है वो उसके मस्तूल पर पड़ती है। किसी को आश्रय चाहिए, किसी को सहारा चाहिए, तो उसका मस्तूल नजर आता है। इसी तरीके से दूर से गुरुद्वारे का वो निशान साहब या उसका फ्लैग जिसको कहते हैं, वो निशान साहब नजर आता है। पर निशान साहब से ऊपर भी वहां पर कोई गुरबाणी की तुक नहीं है, यहां पर गुरबाणी नहीं लिखी हुई या कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई धार्मिक चिन्ह उस तरीके से नहीं है। वहां पर भी एक खंडा बनाया हुआ है। ये जो खंडा है, दरअसल भारतीय संस्कृति में सबसे पहले जो जिसकी वंदना की जाती थी वो श्री गणेश की जाती थी या सरस्वती की वंदना की जाती थी। खास करके साहित्यकार जब भी कोई रचना रचते थे तो सरस्वती की वंदना से करते थे। पर गुरु गोविंद सिंह साहब ने महान रचना की जो कि दसम ग्रंथ साहिब के रूप में मौजूद है, उसमें हैरानी है, वो शुरुआत करते हैं, जो उसकी जो प्रारंभता करते हैं उसके लफ्ज हैं, नमस्कार श्री खड़ग को करो सो हित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथ ए तुमम करो सहाय। वहां पर भी वो खड़ग की वंदना करते हैं, पर खड़ग का अर्थ भगवती श्री साहब, श्री साहब लफ्ज जो है ये गुरु साहब के लिए भी इस्तेमाल हुआ। बिहारी कवि ने गुरु गोविंद सिंह साहब को कहा था, चादर मैली साबण थोड़ा जद देखा तद रोवा, बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा तोवा, दागा दी कोई कीमत ना ही मैं क्यों कर हच्छी होवा, श्री साहब मैनु दर्शन देवो मैं सच्चे साबण तोवा। वहां पर भी उनको श्री साहब से संबोधन किया गया और श्री साहब गुरु साहब ने तलवार को संबोधन किया, खड़ग को किया, भगवती कह के उसका स्मरण किया। दरअसल जो भी सत्कार योग लफ्ज थे, शब्द थे, उन सभी को गुरु साहब ने खड़ग के लिए इस्तेमाल किया। पर साथ ही वो अपने इस आशय को भी स्पष्ट करते गए, क्योंकि सिख की अरदास, रोज की अरदास जो है वो भगवती की वंदना से होती है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई तिहार, गुरु नानक साहब से पहले भी भगवती की स्तुति करते हैं। पर इसमें कोई शक ना रह जाए, शंका ना रह जाए, वो वार श्री भगवती जी की जो रचना है उसमें ये भी कह रहे हैं कि लई भगवती दुर्ग शाह वरजागन भारी, मारी राजे शुंभ नू रथ पिए प्यारी, दुर्गा ने भगवती उठाकर राजे शुंभ को मारी। इसका मतलब यहां भगवती का स्पष्ट अर्थ जो है वो श्री साहब है, खड़ग है, कृपान है, खंडा है। और इसको स्पष्ट किया कि मैं उस भगवती को नमस्कार करता हूं, नमो श्री भगवती बडैली सरोही नाओ भगवती लोह गढ़ाया, जो लोहे से बनाई गई है, मैं उस भगवती को नमस्कार करता हूं, मैं उस भगवती को नमस्कार करता हूं जब किसी के पेट के अंदर जाती है, वापस आके ऐसी नजर आती है जैसे किसी दुल्हन ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। सो सिख धर्म में, सिख सिद्धांतों में जो शस्त्रहीन हो गया वो समाप्त हो गया,
इसलिए सिख रहत मर्यादा में पांच ककारों में कृपान या श्री साहब की इतनी अहमियत है कि प्रोफेसर पूरन सिंह लिखते हैं कि हर सिख को गुरु गोविंद सिंह जी की कृपान पहननी पड़ती है। अगर ये कृपान गुरु गोविंद सिंह जी की है तो फिर ये फिर इसको छोड़ने का या इसको त्यागने का अर्थ ही नहीं हो सकता। तलवार तो हम ले सकते हैं, तलवार हमें बाजार से मिल जाएगी, पर कृपान जब इसको गुरु की बख्शिश समझ के धारण करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बाल तो हर एक के होंगे पर जब इन बालों को गुरु की बख्शिश समझ के धारण करेगा फिर ये केश बन जाएंगे, ये पवित्र हो जाएंगे। सिख धर्म में नगारा की एक बहुत बड़ी अहमियत है, आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। ये योद्धा या राज, इसमें कुछ चिन्ह होते हैं, हर एक के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे राज के चिन्ह नगाड़ा है, बाज है, तलवारें हैं, घोड़े हैं, ये राज के चिन्ह हैं, ये ताकत के चिन्ह हैं। जब मुगल सरकार थी उन्होंने इन चीजों पर पाबंदी लगाई थी कि गैर मुस्लिम इसको नहीं रख सकते। इतिहास में जिक्र आता है कि बहादुर शाह ने एक बार नगाड़ा बजाया था तो औरंगजेब ने उसको ताड़ना की, प्रताड़ना की कि तुम्हें बजाना है तो तुम ढोलक या तबला बजा सकते हो, तुम नगाड़ा नहीं बजा सकते, ये राज का चिन्ह है, तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं दिया जा सकता। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा रणजीत नगाड़ा तैयार किया जिस नगाड़े की धूम धमक जो है, उसकी थाप जो है वो मीलों तक सुनाई देती थी। गुरु साहब ने बाज भी धारण किए, उन्होंने निशान भी लहराए, उन्होंने नरसिंगे भी बजाए, इसीलिए उन्हें सच्चे पातशाह कहते हैं। दुनियावी बादशाह को जो है गुरबाणी ने कहा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा को, हर समान नहीं राजा। जो दुनियावी बादशाह है, जो दुनिया के जो बादशाह है, इसमें कोई अतिकथनी नहीं है कि उनका राज, उनका आदेश, उनकी जियोग्राफिकल बाउंड्री भौगोलिक सीमा तक है और समयबद्ध है और सीमाबद्ध है, पर गुरु साहिबान के उपदेश, उनके आदेश, गुरु साहब के हुक्म ना तो ये सीमाबद्ध है ना ही ये समयबद्ध है। जहां जहां भी सिख होगा, जहां जहां भी खालसा होगा, उस पर ये आदेश लागू होंगे, ये सीमा रहत है, ये समय रहत है। सो नगाड़ा जो एक चिन्ह था, एक राज का चिन्ह है, गुरु साहब ने धौंसे भी बजाए, नगाड़े भी बजाए, बाज भी रखे, उन्होंने निशान साहब भी लहराए, ये सब जो है सच्चे पातशाह की निशानियां हैं। सर जैसे हम बात करें कि सिखिज्म में बैसाखी का एक खास महत्व माना जाता है, वो महत्व के बारे में आप थोड़ा एक तो ये सांस्कृतिक पर्व है, जब फसलें नहीं आती हैं, उमंग है, चाव है और इसका महत्व है। दूसरी तरफ इसका जो आध्यात्मिक तौर पर, जो सैद्धांतिक तौर पर गुरु नानक साहब ने आकर के जगह जगह उदासियां की, चार उदासियां उन्होंने की और वहां पर जा जाके उन्होंने संगतें कायम की, जैसे महात्मा बुद्ध ने संघ कायम किए, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, गुरु नानक साहब ने जगह जगह जाकर संगतें कायम की, छोटी संगत, मैणी संगत, बड़ी संगत, अभी भी वो नाम प्रचलित है। गुरु अमरदास जी ने मसंद बना करके, मसनद तैयार करके उन संगतों को गुरु से जोड़ा, केंद्र से जोड़ा। बाकी गुरु साहिबान ने इसका प्रचार किया, गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हीं रस्ते पर जाकर उनको दोबारा रिवाइव किया। आज बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया, भाई गुरदास दूसरे उसके बारे में कहते हैं, गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। इन संगतों को गुरु गोविंद सिंह जी ने आज वाहिगुरु जी का खालसा बना दिया। मैं एक शब्द आपको स्पष्ट कर दूं, खालसा वो एक लीगल वर्ड है, कानूनी लफ्ज है। दो किस्म की जमीन होती है, एक जगीरी लैंड है, एक खालसा लैंड है। जगीरी लैंड वो जमीन है जो के किसी कर्मचारी के अधीन, किसी अधिकारी के अधीन है। खालसा वो जमीन है जो सीधी बादशाह के अधीन होती है।
सो गुरु गोविंद सिंह जी ने यह कहा कि आज के बाद ये खालसा मेरा नहीं है, मोहम्मद साहब को मानने वाले मोहम्मदन है, महात्मा बुद्ध को मानने वाले बोधी हैं, ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी के पैरोकार गोबिंदीय या नानकीय नहीं है, ये वाहेगुरु जी का खालसा हो गए, ये किसी के अधीन नहीं रहे। आज ये सीधे इनका जो संपर्क था, इसीलिए उन्होंने कहा भाई गुरदास दूसरे ने कि गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। आज के दिन का ये महत्व है कि जो गुरु नानक साहब ने जो पंथ शुरू किया था, इस पंथ को उन्होंने गुरु पंथ कह दिया, इसको उन्होंने गुरु का रुतबा देकर आप उसके सामने खुद सिर झुका दिया और खुद भी उनसे अमृत की दात की याचना की। यही इसका महत्व है। गुरसंगत की नी खालसा मनमुखी दुहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। जय जय जय।